नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। पहला भाग है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा घट धारा की चाल ज्ञात करो। इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। पहली बात ये समझिए कि मान लीजिए ये एक नदी आ रही है, धारा चल रही है। यदि कोई नदी के साथ साथ धारा की तरफ बहेगा, सॉरी तैरेगा, तो वो तेज तैरेगा क्योंकि एक उसकी अपनी स्पीड है, एक पानी भी उसको स्पीड देगा। पानी की स्पीड, धारा की स्पीड भी उसकी स्पीड में ऐड हो जाएगी, तो उसकी जो स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा जब धारा के साथ कोई आ रहा है। लेकिन अगर कोई धारा के विपरीत बह तैरने की कोशिश करेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश करेगा, तो वो अपना जितना जोर लगाएगा उसमें से जो पानी का धारा की गति है, धारा की जो चाल है, वो माइनस हो जाएगी क्योंकि धारा उसकी तैरने की चाल के विपरीत दिशा में जोर लगाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। मान लो स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऋतु जो है स्थिर जल में, स्थिर जल जो बह नहीं रहा, एक जगह खड़ा, उस जल में वो एक्स किलोमीटर की स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। और मान लेते हैं हम साथ की साथ ही कि धारा की जो चाल है वो है वाई किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि पानी की जो बहने का स्पीड है वो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जब दो केसेस हो गए ना, एक हो गया धारा के अनुकूल, एक हो गया धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत। देखिए ध्यान से, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर कर सकती है। हमें पता है एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। ठीक है जी, तो स्पीड स्पीड उसकी धारा के अनुकूल जब होगी, जब धारा के, दोबारा बच्चों मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, धारा के अनुकूल होगी तो एक तो उसकी अपनी स्पीड होगी प्लस पानी की भी स्पीड होगी, धारा की जो चाल होगी वो वाई। ठीक है, तो दोनों की स्पीड मिला के हो जाएगा एक्स प्लस वाई। समझे, वो खुद भी तैर रही है, पानी भी उसी की दिशा में तैर रहा है, तो उसको और जोर लगा रहा है। खुद की स्पीड है एक्स, पानी की स्पीड है वाई, यानी धारा की स्पीड है वाई, तो एक्स प्लस वाई ये हो गई टोटल स्पीड गुना टाइम। समय कितना लिया, 2 घंटे, और स्पीड गुना डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, दो जो है, दो इधर गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग, 2 से 20 कट गया 10, तो आ गया 10। इसका मतलब हमारे पास एक समीकरण आ गई, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब हम देखते हैं धारा के प्रतिकूल क्या होगा। वो खुद तैर रही है, उसकी खुद की स्पीड है एक्स, उल्टी दिशा में तैर रही है, तो जो धारा की स्पीड होगी वो उसको माइनस करेगी। उसकी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड, जब वो ऐसे जोर लगा रही है तो पानी उल्टी दिशा में उसको रोकेगा ना पानी, तो पानी जो है, पानी की स्पीड, धारा की स्पीड उसकी स्पीड में से माइनस हो जाएगी। ये होगी टोटल स्पीड गुना टाइम। टाइम फिर वही है, देखो प्रतिकूल में भी वो 2 घंटे ले रही है, और डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है,
4 किलोमीटर है। जब वो धारा के साथ बहती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, वही हमने यहाँ 20 यूज किया। जब यह उल्टी दिशा में तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैरती है, तो हमने 4 यूज किया। इसे खोलो, एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 इधर गुना हो रहा है उधर आके हो गया भाग, 2 से 4 कट गया तो आ गया 2, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये हमारे पास 2 समीकरणें बन गई, जैसा हम पहले क्वेश्चंस में करते आए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लिया। समीकरण 1 में से एक्स कितना होगा 10, वाई यहाँ प्लस हो रहा है उधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, ये जो एक्स की वैल्यू है इसे हम डाल देंगे इक्वेशन 2 में। कौन सी विधि है ये बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। एक से एक्स की वैल्यू ली, दूसरी में प्रतिस्थापित कर दी, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए इक्वेशन 2 में एक्स, एक्स की जगह कितना लेना है 10 माइनस वाई, माइनस वाई। देखो ये 2 माइनस वाई क्यों है, एक्स की जगह लिखा 10 माइनस वाई, ये तो वाई वहां से आया और आगे भी है माइनस वाई, तो माइनस वाई आगे है बराबर 2, बराबर 2। माइनस वाई हो गया माइनस 2 वाई बराबर 2, 10 यहाँ प्लस हो रहा है उधर आके हो जाएगा माइनस। अगले स्टेप में माइनस 2 वाई बराबर प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए 8, 7 में साइन बड़ी रकम का माइनस, तो वाई आ गया माइनस 8 बटा माइनस 2, इधर वाई के साथ गुना हो रहा है उधर आके हो जाएगा भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कट गया 4, तो वाई कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, वाई कितना आ गया हमारे पास 4। आइए अब आगे देखते हैं, ये जो वाई की वैल्यू है इसको हम डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या है एक्स, इससे हमें एक्स मिलेगा, x बराबर है 10 माइनस वाई के। ये देखो इक्वेशन 3 में x बराबर 10 माइनस वाई, तो 10 माइनस वाई कितना है 4, तो 10 में से 4 निकाले कितना हो गया 6, इसका अर्थ ये है कि x कितना आ गया है 6 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल, क्वेश्चन में देखिए हमने शुरू में क्या लिया था, स्थिर जल में तैरने की चाल किसके बराबर थी, x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर, और x कितना आया है 6, इसका मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा हमें निकालना है धारा की चाल, वो है y किलोमीटर प्रति आवर, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर, और y कितना निकाला हमने 4, इसका मतलब धारा की चाल आ गई y किलोमीटर प्रति 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें निकालनी थी, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।